हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोग्राफीज केव। देखते हैं आज हमारी केव हमें किस सेलिब्रिटी की बायोग्राफी के बारे में बताती है। एक ऐसी डांसर जिसने कभी दिल पर तो कभी साकी साकी गाने पर ओ साकी साकी, साकी साकी। ऐसी जबरदस्त कमरिया हिलाई कि सब ने इस मनोहरी को खूब पसंद किया। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं नोरा फतेह की। एक वक्त था कि सब उनके डांस पर हंसते थे। नोरा ने बगैर किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के आखिर कैसे ये मुकाम हासिल किया, आइए जानते हैं नोरा के बंद कमरे से लेकर बॉलीवुड के दिलचस्प सफर की दास्तान। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 9 फरवरी 1992 कनाडा के टोरंटो सिटी से, जहां नोरा फतेह का जन्म हुआ। एक वक्त था जब बॉलीवुड और लॉलीवुड लवर्स माधुरी के डांस के दीवाने हुआ करते थे। तब माधुरी के ठुमके और अदाओं को टक्कर देने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब नोरा फतेह के डांस का जलवा पूरी बॉलीवुड और सोशल मीडिया पर छाया रहता है। चांदी जैसा रंग है मेरा, सोने जैसे बाल। नोरा मानती हैं कि उनके डांस की वजह से बॉलीवुड में एक ऐसा ट्रेंड आया है जहां आइटम सॉन्ग को एक वल्गर सॉन्ग नहीं बल्कि एक डांस परफॉर्मेंस की तरह देखा जाने लगा है। नोरा फतेह इंडस्ट्री में बहुत ही आइकॉनिक सेलिब्रिटी बन गई हैं। नोरा के डांस की वजह से बॉलीवुड में एक एवरेज फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल साबित होती है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नोरा बॉलीवुड में ट्रेंड सेटर रही हैं, जिन्होंने कई स्टीरियोटाइप भी ब्रेक किए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको नोरा फतेह के लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नोरा फतेह बेसिकली एक अरब फैमिली से बिलोंग करती हैं। नोरा के जन्म से पहले उनकी फैमिली मोरक्को में रहती थी, लेकिन नोरा के जन्म से पहले उनकी फैमिली कनाडा मूव हो गई। नोरा ने अपनी पूरी लाइफ कनाडा में गुजारी है। नोरा ने अपनी स्कूलिंग वेस्ट व्यू कॉन्टिनेंटल सेकेंडरी स्कूल टोरंटो से की है। नोरा को बचपन से ही बॉलीवुड फिल्म्स देखना बेहद पसंद था, और वहीं से उन्होंने रियलाइज किया कि हिंदी मूवीज में एक्ट्रेस को डांस भी करना आना चाहिए और एक्टिंग भी। जब भी नोरा एक एक्ट्रेस बनने की बात करती थी तो उनके पेरेंट्स हमेशा इस बात को टाल देते थे और उन पर बहुत गुस्सा करते थे, और साथ ही उन्हें समझाते भी थे कि ऐसे काम फैमिली की लड़कियां नहीं करती। नोरा की फैमिली एंटरटेनमेंट को लेकर बहुत ही कंजर्वेटिव थी, इसीलिए नोरा ने कभी भी उन्हें अपने एम्बिशंस के बारे में नहीं बताया, और नोरा अपने घर में छुप छुप कर डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। नोरा पेशे से एक डांसर, एक्टर, प्रोड्यूसर और मॉडल है। चलें दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नोरा के कैरियर के बारे में। नोरा ने कभी भी डांस के लिए कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, इन्होंने हमेशा टीवी पर ही डांस देख देख कर प्रैक्टिस की है। नोरा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो डांस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और स्कूल में सब उनके डांस का मजाक उड़ाया करते थे, पर नोरा फिर भी अपने डांस को लेकर बेहद पैशनेट रही हैं, और इन्हें अपने हाई स्कूल में बेस्ट डांस परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिलना शुरू हो गए। नोरा की स्किल्स की वजह से उन्हें एक रेपुटेटेड स्कूल में स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई थी, और ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था। स्कूलिंग खत्म होने के बाद नोरा की लाइफ में सबसे मुश्किल वक्त तब आया जब उनके पेरेंट्स में डिवोर्स हुआ और सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नोरा पर आ गई। इसी वजह से नोरा ने कुछ अरसा वेट्रेस की जॉब भी की, और उसके बाद भी उनकी स्ट्रगल चलती रही। वो मॉर्निंग में एज अ वेट्रेस काम करती थी और इवनिंग में एज अ टेलीकॉलर। पूरे एक साल तक उन्होंने ऐसे छोटे मोटे काम किए, और साथ ही साथ इन्होंने इंडिया की मॉडलिंग एजेंसीज में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक एजेंसी ने उन्हें हायर कर लिया, और नोरा 2012 में इंडिया आई, और उसी साल उन्हें एक एडवर्टाइजमेंट में कास्ट कर लिया गया। इस एड के बाद उन्होंने कई और एड्स में भी काम किया, पर इसके लिए उन्हें उनकी सैलरी नहीं दी गई। नोरा ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि इंडस्ट्री में न्यू कमर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है, और न्यू कमर्स को इतना ज्यादा पॉलिसीज के बारे में नहीं पता होता, तो एजेंसी के लोग उनकी इस बात का फायदा भी उठाते हैं। एड में काम करने के बाद नोरा रोज मूवीज के ऑडिशंस के लिए भी जाया करती थी, पर उनकी एक्टिंग को देखकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था, और कास्टिंग डायरेक्टर उनका मजाक उड़ाते थे। एक साल की स्ट्रगल करने के बाद नोरा को एक एडवेंचर फिल्म रॉर में कास्ट किया गया, जहां उन्हें एक इम्पोर्टेंट रोल में देखा गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसके बाद भी नोरा ने हिम्मत नहीं हारी, वो मुसलसल ऑडिशंस देती रही और मुसलसल रिजेक्ट होती रही।
नोरा रात रात भर ऑडिशन की प्रैक्टिस किया करती थी और सुबह हिंदी ठीक ना होने की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। इसके बाद नोरा ने साउथ इंडस्ट्री में भी अपना लक आजमाया और वहाँ पर उन्हें डांस की ऑफर की जाने लगी। सब ने नोरा को यही मशवरा दिया कि उन्हें आइटम सॉन्ग नहीं करने चाहिए क्योंकि बाद में सब उन्हें एक आइटम गर्ल की तरह देखेंगे। इस बात पर नोरा ने बहुत सोचा और ये हल निकाला कि जो चीज़ उन्हें ऑफर हो रही है वो उस पर अपनी एफर्ट लगाएंगी। टेम्पर फिल्म में जब नोरा एक गाने में नजर आई तो उसके बाद से उन्हें बहुत से आइटम्स में फीचर किया जाने लगा। जिसमें सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली थी। फिर नोरा को बिग बॉस सीजन 9 में वाइल्ड कार्ड एंट्री में देखा गया और ऑडियंस ने उन्हें बेहद पसंद किया। बिग बॉस के बाद नोरा ने झलक दिखलाजा में एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया और इसके बाद से नोरा को बॉलीवुड से ऑफर आने लगी। इनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें दिलबर दिलबर सॉन्ग में देखा गया। लेकिन नोरा के मुताबिक हार्दे संधु का सॉन्ग ना उनके कैरियर का टर्निंग हिट गाना था। इनके दिलबर सॉन्ग ने YouTube पर फास्टेस्ट 200 मिलियन का रिकॉर्ड बनाया और आज इस सॉन्ग पर 1 बिलियन व्यूज आ चुके हैं। दिलबर के बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट गाने में काम किया जैसे गर्मी, कमरिया, नाच मेरी रानी, साकी साकी, ओ साकी साकी रे साकी साकी, और एक तो कम जिंदगानी। तो दोस्तों, इन सब में से आपको कौन सा गाना पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आपको मिलवाते हैं नोरा की फैमिली से। नोरा का एक भाई जिसका नाम उमर फैती है और इनकी बाकी फैमिली को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं नोरा की इनकम के बारे में। नोरा एक गाने में काम करने के 50 लाख रुपीस चार्ज करती हैं और एक मूवी में काम करने के नोरा 1 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इसके अलावा नोरा कई ब्रांड्स भी प्रमोट करती हैं जिसकी इन्हें अच्छी खासी इनकम आ जाती है। अगर नोरा के नेटवर्थ की बात करें तो 2023 के हिसाब से नोरा की नेटवर्थ 14 करोड़ रुपए है। अब आप सभी को नोरा का घर दिखाते हैं। वैसे तो नोरा का फैमिली हाउस कनाडा में है पर अपने कैरियर की वजह से नोरा मुंबई के एक कंपार्टमेंट में रह रही हैं, जिसमें 3 बेडरूम्स, 1 लिविंग रूम, किचन और टेरेस जैसी सहूलियात मौजूद हैं और इनके इस घर की कीमत 18 करोड़ रुपए है। चलें दोस्तों, अब आप सबको दिखाते हैं नोरा की कार कलेक्शंस। इनके पास एक मर्सिडीज बेंज CLA है जिसकी कीमत 35 लाख रुपीज है। इनके पास एक और कार वॉक्सवैगन पोलो है जिसकी कीमत 9 लाख रुपीज है। इनके पास तीसरी कार होंडा सिटी है जिसकी कीमत 12 लाख रुपए है। तो दोस्तों, ये थी नोरा फतेही की मुकम्मल बायोग्राफी। अगर आप नोरा फतेही की फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी पे देखना चाहते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल बायोग्राफीज केव को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। हाँ, मुझे प्यार है तुमसे, हाँ, तुझ में ही तो मेरा जहां।